एमएलए अकेडमी स्कूल से शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से 3,39,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस दौरान मौजूद शिक्षकों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी जगह मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के रहने वाले नवीन कुमार ने परीक्षा दी थी। वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि नवीन कुमार ही परीक्षा में बैठा था। उनके फोटो का भी मिलान हो गया है। लहरिया सराय थाना की पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी पास नवनियुक्त शिक्षकों के बायोमेट्रिक मिलान के दौरान एक फर्जी शिक्षक पाया गया है। किनको लेके आए थे? मैं अकेला आया था सर स्कूल। ये कौन है आपके साथ जो आए थे यहाँ? वो आप उनको थम इम्प्रेशन के लिए लाए थे ना? आपका घर फुलपरास, उनके जगह पे आप आए थे? कितना पैसा दिए थे आप? पैसा नहीं दिए थे, दोस्ती के कारण। दोस्ती के कारण बायोमेट्रिक जो बीपीएससी वाला हो रही है उसमें फर्जीवाड़ा धरा गया और कैंडिडेट के साथ एक डेमो माने जो है फर्जी जो परीक्षा दिए हुए थे वो भी उनके साथ थे। वो बायोमेट्रिक के अर्थ में ये पकड़ा गया।